Hello students, welcome to Learners Academy. Today I will explain you Getting Ready for Adventure by Miguel de Cervantes. ये स्टोरी Miguel de Cervantes की नोवेल डॉन क्विक्सोट से एक्सट्रैक्ट की गई थी, जो सबसे ज़्यादा इंटरटेनिंग लिटरेरी वर्क्स में से एक है स्पेन का। ये कहानी एक ओल्ड फैशन आदमी के बारे में है, जो आगे चलकर दुनिया का प्रोटेक्टर या कमज़ोर लोगों का रखवाला या प्रोटेक्टर के तौर पर उभर कर आता है। कई साल पहले स्पेन में एक ओल्ड फैशन इंसान रहा करता था। इसके कई अलग अलग स्ट्रेंज बिहेवियर्स थे, जिससे इसके नेबर्स और इसके फ्रेंड्स बहुत हैरान हुआ करते थे, और वो इंसान इसी स्ट्रेंज बिहेवियर के कारण पूरी दुनिया में आगे चलकर फेमस होता है। उसका असली नाम किसी को नहीं मालूम था गांव के बाहर, लेकिन उसके नेबर्स उसे द गुड मिस्टर क्विजाना के नाम से बुलाया करते थे, और उसका नाम सही भी था, क्योंकि ही वॉज जेंटल एंड काइंड एंड ब्रेव। वो जेंटलमैन बहुत ही जेंटल था, मतलब सॉफ्ट स्पीकिंग, काइंड था, रहम दिल और ब्रेव भी था। जो भी उसे जानता उसे पसंद करता। मिस्टर क्विजाना की ना तो कोई वाइफ थी और ना कोई बच्चे। वो अपनी नीस, अपनी भतीजी के साथ एक पुराने फार्म हाउस में रहा करता था, जो ला मंशा के गांव में पड़ते हैं। ला मंशा स्पेन का एक सेंट्रल एक प्रोविंस है। उसकी नीस की एज 20 ईयर्स से कम थी, जिस वजह से घर को संभालने की जिम्मेदारी एक ओल्ड नौकरानी की थी, जो बहुत ओल्ड हो चुकी थी, लेकिन वो वाइस नहीं थी, इंटेलिजेंट नहीं थी और बहुत ज़्यादा टॉकेटिव भी थी। साथ ही साथ इनके घर के पास में एक पुअर मैन रहा करता था कॉटेज में। उसे इन लोगों ने अपने फार्म में काम करने के लिए रखा था, जो अपनी जिम्मेदारियाँ अच्छे से निभाया करता था। मिस्टर क्विजाना बहुत ऑड दिखा करते थे, क्योंकि उनका फैशन सेंस, उनका ड्रेस, सब कुछ बिल्कुल ओल्ड फैशन हुआ करता था। उनकी एज करीब 50 ईयर्स या उससे कम होगी। वो पतले से लंबे से दिखने वाले इंसान थे। उनका चेहरा पतला था, लंबी सी नाक थी और उनके बाल सफ़ेद होना शुरू हो चुके थे। वो बहुत ही प्लेनली ड्रेस पहना करते थे, मींस इट वाज अ प्लेन ड्रेस। मंडे से लेके फ्राइडे तक वीक डेज में वो ब्लाउज और ब्लू ट्राउजर्स घर का बना हुआ पहना करते थे। संडेज के दिन वो प्लश कोट, लंबा सा कोट और वेलवेट के ब्रीचेस, मींस वेलवेट की बनी हुई पैंट्स और सॉफ्ट स्लीपर्स पहना करते थे, और उन चप्पलों में सिल्वर कलर के बकल्स हुआ करते थे। इन द हॉलवे, उनके हॉलवे में, हॉल रूम में एक छोटी और जंग लगी हुई तलवार हमेशा लटकती थी, जिसकी वजह से जिस दीवार पर वो लटक रही थी, वो दीवार भी, उसमें भी जंग लग चुका था, रस्ट लग चुका था। और साथ ही साथ वहाँ पर उस तलवार के साथ एक बड़ी रॉहाइड शील्ड थी। शील्ड मतलब होता है तलवार के साथ उसकी जो शील्ड होती है, तलवार की ढाल जो होती है, वो भी वो साथ में रखे हुए थे। मिस्टर क्विजाना का मानना था कि ये हथियार उनके दादा के दादा का है, जब उस ज़माने में गन पाउडर या गन्स का इस्तेमाल नहीं हुआ करता था। मिस्टर क्विजाना की किचन की चौखट पे एक ओल्ड ग्रे हाउंड डॉग हमेशा पड़ा रहता था। वो डॉग पतला सा, लंबा सा था। उसके शिकार के दिन अब जा चुके थे, क्योंकि वो बूढ़ा हो चुका था। इसी तरह जितने भी ओल्ड फैशन लोग उस ज़माने के हैं, वो अपने घरों में ग्रे हाउंड डॉग्स को रखा करते थे। घर के बैकयार्ड में एक हॉर्स भी था। वो हॉर्स पतला सा था और वो भी ग्रे हाउंड की तरह बूढ़ा हो चुका था। लेकिन राइटर इस हॉर्स के बारे में आगे और भी बातें बताने वाले हैं। लाइक अदर जेंटलमैन, मिस्टर क्विजाना डिड नॉट वर्क मच। बाकी जेंटलमैन की तरह मिस्टर क्विजाना भी ज़्यादा काम नहीं किया करते थे।
वो अपना पूरा दिन सिर्फ एक काम में बिताया करते थे, वो था रीडिंग। वो अक्सर किताब लेकर ही बैठा करते थे और कभी भी उनके हाथ में किताब नहीं रहा करती थी। जब मौसम अच्छा हुआ करता था तो वो पूरा दिन लाइब्रेरी में गुजारते थे और कभी कभी एप्पल के पेड़ के नीचे बैठकर पूरा दिन पढ़ा करते थे। वो जब पढ़ने बैठते थे किताब तो वो अक्सर खाना भी भूल जाया करते थे। वो अपनी किताबों में इतना खो जाया करते थे कि अपने हॉर्स को, अपने डॉग को, अपने नीस को, अपने दोस्त को और कभी कभी अपने आप को भी भूल जाया करते थे। कभी कभी ऐसा हुआ करता था कि वो रात भर पढ़ा करते थे। अब किस तरह की बुक वो पढ़ा करते थे हम लोग ये जानेंगे। वो ना हिस्ट्री पढ़ते थे, ना ट्रैवल की बुक पढ़ते थे, ना पोइट्री, ना फिलॉसफी। उनका वक्त कहानी स्टोरीज में गुजरता था। और कौन सी स्टोरीज थी? स्टोरीज ऑफ नाइट्स एंड द डेयरिंग डीड्स। नाइट्स कौन होते? नाइट्स वो लोग होते हैं जो योद्धा होते हैं और बुराई से लड़ते हैं और अच्छाई की रखवाली करते हैं। नाइट्स लोग अक्सर हम लोग उसको एनीमे में और कार्टून्स में इसे दिखा करते हैं। नाइट्स ही रीड सो मैनी ऑफ दी स्टोरीज दैट ही कुड नॉट थिंक ऑफ एनीथिंग एल्स। वो इतनी सारी कहानियों को पढ़ लिया करते थे कि वो और कुछ सोच भी नहीं पाते थे। उनके बस दिमाग में एक ही चीज़ थी, नाइट्स और नाइटली डीड्स। नाइट्स वो योद्धा हुआ करते थे जिनकी बहुत पुरानी कहानियाँ हैं और उस ज़माने में मैजिशियंस भी हुआ करते थे, विच क्राफ्ट जादू टोने भी हुआ करते थे। तो ये ओल्ड एंशंट कहानी जो नाइट्स की, वो पढ़ने का इन्हें बड़ा शौक था। और किस तरह से वो लोग लड़ा करते थे बैटलफील्ड और टूर्नामेंट्स में, वो लोग किस तरह से जो है अपनी बहादुरी दिखाया करते थे, उसे पढ़ने में इन्हें बड़ा इंटरेस्ट था। एट लेंथ दिस ओल्ड फैशन जेंटलमैन सेड टू हिमसेल्फ, व्हाई शुड आई ऑलवेज बी प्लेन फार्मर एंड सिट हियर एट होम, व्हाई मे आई नॉट बिकम अ फेमस नाइट। एक दिन क्या हुआ, मिस्टर कुजाना बैठे बैठे सोचने लगे कि मैं फार्मर क्यों बना हुआ हूँ और घर पे क्यों बैठा हुआ, क्यों ना मैं नाइट बन जाऊँ। वो जितना इस बारे में सोचने लगी उतना ही इनकी जो विश है, इनकी जो ख्वाहिश है वो बढ़ने लगी और अपने आप को वो एक हीरो समझने लगे। किताब पढ़ते पढ़ते इनके दिमाग में ये इतना इनके दिमाग में इतना ये सब बातें चली गई कि वो खुद अपने आप को नाइट समझने लगे। और वो कहते हैं, यस आई विल बी अ नाइट, माई माइंड इज़ फुल्ली मेड अप, आई विल आर्म माई सेल्फ इन कोट ऑफ मेल। और वो कहते हैं मैं मेल का कोट पहनूंगा, मतलब स्टील का या लोहे का जो कपड़ा होता है जो वो लोग पहनते हैं वो पहनूंगा, और नोबल स्टीड मतलब एक शाही सवारी करूंगा, एंड आई विल राइड आउट इन टू द वर्ल्ड टू सीक एडवेंचर्स। और मैं अपने घोड़े पे बैठ के बाहर निकलूंगा और एडवेंचर्स की तलाश में निकल पड़ूंगा। नो डेंजर शैल अफ्राइट मी, मुझे कोई भी खतरा रोक नहीं सकता। विथ माई स्ट्रॉन्ग आर्म आई विल गो फोर्थ टू प्रोटेक्ट द वीक, अपने ताकतवर आर्म्स के जरिए हम कमज़ोरों को बचाएंगे, और बी फ्रेंड ऑफ फ्रेंडलेस, जिनकी कोई दोस्त नहीं उनकी हम दोस्त बन जाएंगे। और फिर वो कहते हैं येस आई विल बी द नाइट एंड आई विल फाइट अगेंस्ट हेरर। और अब वो कन्फर्म हो गया है कि वो नाइट बन जाएंगे और वो हर गलत चीज़ों से अब जाकर उसका मुकाबला करेंगे, लड़ेंगे। सो ही बिगेन एट वंस टू गेट रेडी फॉर हिज ग्रेट अंडरटेकिंग, और फिर उन्होंने तैयारी करना शुरू कर दी। सबसे पहले करना ये था कि उनको एक सही आर्मर ढूंढना था। आर्मर मतलब वो कपड़ा जो लोहे का बना हुआ हो या मेटल का बना हुआ होता है। उनके घर के गैरेट में, मतलब स्टोर हाउस में, स्टोर रूम में एक पुराना सा मेल था। मेल मतलब वही लोहे के जो कपड़े होते हैं, वो कपड़ा जो था, वो मेल जो था, बहुत सालों से वहाँ पड़ा हुआ था। इस वजह से उसमें जंग लग गया था, उसमें कई सारे मतलब स्पाइडर्स ने जाल बिछा दिए थे, जाल बुन दिए थे, क्योंकि ये कई सौ साल पुराना हो चुका था, जंग लग चुका था, कुछ पार्ट इसके मिसिंग भी थे और इसे साफ करने की ज़रूरत थी। मिस्टर कुजाना ने उसे साफ किया, पॉलिश किया और उसके कुछ टुकड़े जो है वो हटाए और कुछ टुकड़े वहाँ लगा दिए और उसे पेंट करके स्टील की तरह दिखा दिया। जब वो प्रॉपरली फिट हो गया
तब उन्होंने उसे पहन लिया और तैयार हो गए कि अब वो फाइटिंग के लिए जा सकते हैं। अब उनके पास कोट तो आ गया, अब उन्हें चाहिए था हेलमेट। तो उनके ही गैरेट में एक ब्रास का हेलमेट था, ये भी टूटा हुआ था। इसके जो स्ट्रैप्स थे, स्ट्रैप्स मतलब होता है जो आँखों को जो कवर करते हैं, वो खो गए थे। मिस्टर कुजाना ने उस स्ट्रैप्स के बदले वहाँ पर लगा दिया रिबन्स, स्ट्रैप्स के बदले, ताकि वो स्ट्रैप्स की तरह दिख पाए। और वो उन्होंने जो है उस हेलमेट को पहन लिया और बड़े अच्छे दिखने लगे, अपने आप को बड़ा वो रॉयल और नोबल समझने लगे। अब उनको चाहिए थी शाही सवारी, स्टीड। स्टीड मतलब होता है सवारी, क्योंकि हर एक नाइट को एक सवारी चाहिए रहती है, एक हॉर्स। तो उसके लिए उन्होंने अपने हॉर्स को चुना, जो बूढ़ा सा पतला सा हॉर्स था उसे वो अपना रॉयल स्टीड कह रहे थे। मींस थोड़ा स्ट्रेंज था ये सब, क्योंकि उनका हॉर्स अब बूढ़ा हो चुका है, बेचारा था ओल्ड हॉर्स, पीछे पड़ा हुआ था, पीछे रखा हुआ था वो, पतला सा हो चुका था, हड्डियाँ नज़र आ रही थी। वो किसी भी हाल से कोई वॉर हॉर्स नहीं दिख रहा था, वो तो थका हुआ बेचारा सा पतला सा दिख रहा था। लेकिन जेंटलमैन ने उस ओल्ड हॉर्स को ही मतलब अपनी इमेजिनेशन की नज़रों से देखा और उनको लगा, अरे वाह, दिस इज़ द रॉयल स्टीड। उनकी नज़रों में तो कुछ और ही छाया हुआ था, उनको लगा कि ये तो रॉयल स्टीड है, तगड़ा हॉर्स उनको लग रहा था उनकी नज़र के हिसाब से। ही विल कैरी मी मोस्ट गैलेंटली, और वो कहते हैं मिस्टर कुजाना कि ये हॉर्स मुझे एकदम गैलेंटली मतलब एकदम फुल्ली है ना ब्रेवली हम मुझे लेकर जाएगा और मुझे बहुत प्राउड होगा कि मैं इस पर बैठ कर जा रहा हूँ, बट मैं इसका नाम कह रखूँ। एक नोबल हॉर्स का एक नोबल नाम भी होना चाहिए, क्योंकि ये ऑनरेबल क्रीचर है, इसका एक हाई साउंडिंग नेम भी होना चाहिए। इस वजह से मिस्टर कुजाना ने करीब 4 दिन लगा दिए पढ़ने में कि इस इनकी सवारी, इनके हॉर्स का नाम क्या होगा, और आखिर में उन्होंने उसका नाम रखा रोजिनेंट, रोजिनेंट। एंड वाई डू यू गिव हिम दैट स्ट्रेंज नेम, आज नीस, नीस ने कहा कि आपने इसे इतना अजीब नाम क्यों दिया है। तो वो कहते हैं, मैं बताता हूँ, वर्ड रोजिन का मतलब होता है कॉमन हॉर्स, और एंट, एंटे का मतलब होता है बिफोर और फॉर्मरली, जो पहले का। नाउ इफ आई कॉल माई गैलेंट स्टीड फॉर्मरली अ कॉमन हॉर्स, मतलब वो पहले एक कॉमन हॉर्स था, मतलब फॉर्मरली अ कॉमन हॉर्स, मतलब वो पहले एक कॉमन हॉर्स था, अब वो खास हो गया है। मतलब द मीनिंग इज प्लेन फॉर एवरीबडी विल अंडरस्टैंड दैट ही इज नो लॉन्गर अ कॉमन, अब वो कोई कॉमन हॉर्स नहीं रहा, बल्कि वो एक अनकॉमन बन गया है। क्या तुम देख सकती हो, इस वजह से इसका नाम रखा है मैंने रोजिनेंट, मतलब ये एक कॉमन हॉर्स था, अभी नया बन चुका है, इस वजह से इसका नाम क्या है रोजिनेंट। देन ही पैटेड द हॉर्स लविंगली एंड जेंटली रिपीटेड रोजिनेंट, रोजिनेंट, और आगे चल के उन्होंने उस हॉर्स को जेंटली पैट किया, मतलब थपथपाया, और उसे प्यार से उसका नाम पुकारा रोजिनेंट। ही थॉट इफ ही कुड ओनली फाइंड एज गुड नेम एज फॉर हिमसेल्फ ही वुड लाइक राइडिंग आउट एंड बिगिनिंग हिज एडवेंचर एट वंस, फॉर व्हाट मोर ही कुड नीड। उन्होंने अब ये सोचा कि क्या मैं भी अपना कुछ नाम निकाल लूँ क्या। एवरी नाइट ही सेड हैज राइट टू पुट डॉन एट द बिगिनिंग, हर नाइट के नाम के आगे डॉन लगता है, ये टाइटल ऑनर और रिस्पेक्ट दर्शाता है। नो आई कॉल माई सेल्फ डॉन 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 समथिंग, बट वॉट शैल इट बी, कहते कि क्या नाम होना चाहिए मेरा, डॉन 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 में से क्या नाम हो। ही स्टडीड दिस क्वेश्चंस फॉर 8 days, इन्होंने 8 दिन तक अपना नाम खोजा। देन अ हैप्पी थॉट केम टू हिज माइंड, और उन्होंने आखिर में अपना नाम क्या रखा, आई विल कॉल माई सेल्फ डॉन क्विकजोट, नाम क्या रखा, डॉन क्विकजोट, ये इनका नाम था, डॉन की हो अच्छा। ही क्राइड एंड सिंस माई होम इज द डिस्ट्रिक्ट ऑफ लामांशा आई विल बी नोन थ्रू आउट द वर्ल्ड एज डॉन क्विकजोट दी लामांशा। आगे चल के उन्होंने क्या रखा, डॉन क्विकजोट दी लामांशा, अपने घर का नाम भी रख दिया। वॉट कैन बी नोबलर देन दैट, मतलब घोड़े का नाम रखा, अपना नाम रखा, और अपने घर का भी नाम रख दिया, और डॉन क्विकजोट
डॉन क्विज़ोट लामांशा जो है उन्होंने अपना पूरा नाम रख दिया, मतलब डॉन क्विज़ोट जो है वो लामांशा से बिलोंग करता है। तो कहता है कि इससे ज़्यादा नोबल और क्या हो सकता है, इससे अच्छा टाइटल और मेरे लिए क्या हो सकता है। द ओल्ड जेंटलमैन हैड नाउ मेंडेड एंड पॉलिश्ड हिज आर्मर एंड फाउंड न्यू नेम्स फॉर हिमसेल्फ। अब उन्होंने अपना आर्मर को पॉलिश किया, नया नाम ढूंढ लिया, उनकी सवारी मिल गई। अब उनको लग रहा है कि वो वेल इक्विप्ड है एडवेंचर के लिए निकलने के लिए। तो आफ्टर वीक्स ऑफ लेबर एंड स्टडी, मतलब एक हफ्ते की मेहनत के बाद, डॉन की होट द लामांशा उन्होंने जो है डिसाइड किया कि अब हम जो है बाहर निकल जाएंगे और एडवेंचर की तलाश करेंगे। He waited only for a suitable opportunity to put his cherished plans into execution. और उन्होंने तलाश किया कि कब सही मौका मिले और तब अपनी वो हीरोइक एक्टिविटी, अपना हीरोइज्म जागे, बाहर दिखा पाए। और ये कहानी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। ये कहानी एक थॉट, एक इमेजिनेशन था और मिस्टर क्विज़ाना का कि वो एक हीरो बन जा रहे हैं। ये कहानी कंप्लीट नहीं है बल्कि नोवेल है, ये एक्सट्रैक्ट है। इसकी पूरी कहानी आप लोगों को और डॉन की होट की नोवेल में मिल जाएगी, जो आप लोग अलग से ही पढ़ सकते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।